शारदा माँ की भी बहुत ही खूबसूरत नक्काशी है भाई। आज के ब्लॉग वीडियो में आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद। भगवान हम आ गए सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन। अब चलते हैं बाजार में, होते देखते हैं कोई साधन मिलता है क्या। हम निकल चुके हैं रेलवे स्टेशन से बाहर, चलते हैं यार। पहुंच चुके हैं चौथ माता के सरोवर है ये, बहुत अच्छा लोकेशन मारता, पानी का फुल भरा हुआ है। तो सामने आपको दिखाई दे रहा है चौथ माता का मंदिर, पहाड़ी के ऊपर है। स्नान स्नान सब कर लिए तो आप देख सकते हो सिक्स सेंसर फोर्ट का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। यहाँ का बहुत ही सुंदर लोकेशन है भाई, पास में है शिव जी का मंदिर, तो वहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा आपको। यहाँ से चलते हैं हम सरोवर की यात्रा करते हुए। जो सामने दिखाई देता है जस्ट मेन भगवान का मंदिर, जो आप देख सकते हो सफ़ेद प्रकार का शिखर बना हुआ है, बहुत अच्छा लोकेशन दर्शाता है। और उसके पास में इधर आप देख सकते हो देवनारायण भगवान का मंदिर है। दोनों के बीच में होते हुए आपको नज़ारा दिखाई देगा चौथ माता के पहाड़ी शिखर का। उस 750 सीढ़ियों को चढ़ते हुए हम चौथ माता के मंदिर में प्रवेश करते हैं। बने रहिए आप आगे वीडियो में। हम सरोवर से स्नान करने के बाद वहाँ से चल दिए हमारे मेन भगवान के मंदिर में। यहाँ का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। ये मेन भगवान का एक ही मंदिर है यहाँ पर ही है, तो यहाँ की नक्काशी आप बहुत खूबसूरत दिखाई देती है। और यहाँ पर सभी देव देवताओं की मूर्तियाँ विराजमान हैं। तो चलते हैं परिक्रमा में, दिखाता हूँ आपको। इधर देख सकते हो आप शिव जी भोलेनाथ की जो बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा देखने को मिलेगी, और इधर शारदा माँ की भी बहुत ही खूबसूरत नक्काशी है भाई। तो आज के ब्लॉग वीडियो में आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद। तो पूरे चैलेंज सफ़र करके हम पहुँच चुके हैं भाई आज फिर से। अब यहाँ से चलते हैं हम घर पर, तो मैं दिखाता हूँ यहाँ का संपूर्ण नज़ारा।